अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PNS न्यूज़ की जानिब से मोहम्मद अब्दुल्ला आदिल ज़िले निज़ामबाद के हालात से वाकिफ़ करवाते हैं। ज़िले निज़ामबाद बल्दियाती इदारों के MLC की हैसियत से TRS के उम्मीदवार के कविता को ठोस कामयाबी मिली। वोटों की गिनती के दो दौर मुकम्मल हो गए। कुल वोट 824, वोट 823 डाले गए। TRS 728 वोटों से शानदार कामयाबी हासिल की और दीगर पार्टी BJP 57 वोट हासिल किए, कांग्रेस 29 वोट हासिल किए, गलत वोट 10 पड़े। हमारे चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर श्रीमती कलवा कुंडला कविता निज़ामबाद के साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो आज MLC की हैसियत से नया मकाम हासिल किए। शर्म का बात है, आज हमारा कोई फ़ख्र का बात है कविता जी का ये अच्छा बड़ी जीत होना और CM KCR साहब से हम और हमारे दिनचर के लीडर गुजारिश करते हैं मोहतरमा कविता जी को एक अच्छा होदा दीजिए, अच्छा पोस्ट दीजिए। जब उन्होंने एक पार्लियामेंट मेंबर थे, वहाँ पार्लियामेंट में तेलंगाना के अपने हिस्सों के लिए, अपने हकों के लिए पूरी तरह से वहाँ अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ निज़ामबाद के पार्लियामेंट में एक हिस्सा जगत्याल भी है। जगत्याल ये जिला डिजिटल कॉन्स्टिट्यूंसी के तरक्की के लिए भी मैडम कविता जी बहुत काम करें, बहुत खिदमत करें। आज भी बहुत मैडम को चाहते हैं, कविता जी को मोहतरमा कविता जी को बहुत चाहते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में सबको मालूम कि कांग्रेस वाले और BJP वाले मिलके और वो भारतीय जनता पार्टी का आज का पार्लियामेंट मेंबर झूठ बात बोल के, बात बोलना नहीं लिख के देखे, झूठे वादा करके थोड़े वोटों से जीते हैं। आज कविता जी निज़ामबाद जिले के लोकल बॉडी MLC इलेक्शन में बड़ी पैमाने से आज उनकी जीत हुए। फिर एक बार मैं जगत्याल के हमारा यहाँ के जनता के तरफ से और हमारे लीडरों की तरफ से कविता जी को मुबारक पेश करता हूँ। करेक्ट मतलब